शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल पटेल, खबर सेंसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, जहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचकर 100 करोड़ के योजनाओं को शिलान्यास किया। वहां पे उन्होंने बड़ा बयान भी दिया कि अगर ऑफिसर कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ अफसर ऐसे हैं जो पार्टी से लेकर नेताओं की बदनामी भी कर रहे हैं। उन्होंने आज बिजनौर जिले में जो कार्य किया, आइए जानते हैं क्या क्या उन्होंने कार्य में बताया और किस प्रकार के बिजनौर जिले में कार्य किए जाएंगे। आइए देखते हैं रिपोर्टर विनय कुमार की बिजनौर से यह रिपोर्ट। प्रदेश के महामंत्री को भारतीय जनता पार्टी को सुशोभित कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वह भी आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत की इस कड़ी के अंदर मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से सर्वप्रथम ये निवेदन करूंगा कि मैं माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जिलाध्यक्ष जी सबके द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है और तालियों के द्वारा ये लोकार्पण में कृपया शरीक होने का कष्ट करें। सारे सारे एक जगह हो गए। स्वागत तरीके पार्टी का गठबंधन है वही है, उसके अलावा कोई नया गठबंधन हमारा नहीं होने जा रहा है। हम अपने दम पर जितने मजबूत थे 2014 में, उससे ज्यादा मजबूत 2019 में। मौर्य जी एक सवाल। पहले तो बिजनौर आकर के मंच पर जितने भी लोग हैं, आप सबसे परिचित हैं। आज बिजनौर में मेरे बहुत ही खास मित्र कहे स्वर्गीय विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह जी के घर जाना हुआ, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। क्योंकि बिजनौर आ रहा था तो यहाँ की जो परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास हो जाए, उद्घाटन हो जाए और कार्यकर्ताओं से भेंट हो जाए, आज इस क्रम में आना हुआ है। प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार विकास करने का काम भी कर रही है, सुशासन देने का भी काम कर रही है। किसानों और नौजवानों के लिए समर्पित हमारी सरकार है। हमारी सरकार में 5 जिले का नहीं बल्कि प्रदेश के सभी 75 जिलों का बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त विकास हमारी सरकार का संकल्प है और उस संकल्प के अनुसार हम प्रदेश के अंदर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 15 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली, अपराध को संरक्षण देने वाली सरकारें रही हैं। इसके कारण से सरकार जब से बनी है, हमने जहां अपराध पर नियंत्रण करने का काम किया है, वहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम भी किया है। अभी मैं व्यक्तिगत तौर से भी यह मानता हूं कि सभी अधिकारी कर्मचारी 100% नहीं सुधरे हैं, लेकिन उनको सुधरने का जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन जो गलत काम करेंगे अब उनके 14 हमने जीता था, उसे 2019 भी जीतेंगे। और जो पत्र लिखने का काम है, मैं भी सांसद रहा हूँ, मैंने भी अपने प्रधानमंत्री जी को सैकड़ों पत्र लिखे। वही माननीय सांसद अपने प्रधानमंत्री जी को पत्र दे सकता है, अपने मुख्यमंत्री जी को पत्र दे सकता है, ये कौन सी ऐसी बात है? नहीं, कई शिकायती पत्र हम भी शिकायती पत्र देते थे, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है। शिकायती पत्र देने का मतलब आप उसकी व्याख्या की, वो विद्रोह की भावना, ऐसा कुछ नहीं है। सब हमारे यहाँ लोकतंत्र है,
हमारे यहाँ किसी भी कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। सार्वजनिक यदि किया, आप सब मेरे मीडिया के मित्र हैं, आप लोगों को भी ऐसी खबर मिल जाती है कुछ दिन दिखाने के लिए, ऐसा कोई नहीं है। आप सब ये मैं विशेष तौर से सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी लाल के सपने दिल में ना देखे कि भाजपा के बारे में इस प्रकार का दुष्प्रचार करके अष्टमेघ के इस घोड़े को जो माननीय मोदी जी का है जो उन्होंने कोई रोक पाएगा वो संभव नहीं है। हमने विजय प्राप्त किया, आगे भी विजय प्राप्त। अच्छा, दो